15 पॉइंट जो माइनॉरिटीज़ के प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में मीटिंग ली गई। इससे पहले शहीद दिवस के अवसर पर अमर शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति के पास एक शांति मार्च का आयोजन किया गया और उसमें उन तीनों विभूतियों को जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु जी, शहीद सुखदेव जी, इन तीनों को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके द्वारा दिए गए योगदान के बारे में स्मरण कराया। मीटिंग में ख़ास तौर से हनुमानगढ़ ज़िला प्राय 3-4 बिंदुओं को छोड़कर ए श्रेणी में आता है। 2-3 बिंदु ऐसे हैं जिनमें व्यापारिक बैंक हैं, कमर्शियल बैंक जो हमारी लीड बैंक है, उसके माध्यम से सहयोग कम मिल रहा है, जिसके कारण कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो सी श्रेणी में हैं। उनको लीड बैंक के अधिकारी को हिदायत दी गई है कि वे तत्काल इस संबंध में जिलाधीश से बात करके और इसको सी से बी अथवा ए श्रेणी में लाने का प्रयत्न करें। कुल मिलाकर के फ्लैगशिप योजनाएं भी जो हैं काफ़ी अच्छी चल रही हैं। कुछ जगह टारगेट जैसे पौधारोपण वगैरह के टारगेट ज़्यादा दिए हुए थे, इसके कारण से पूरा टारगेट वे अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसको वो परिवर्तित करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिले में मनरेगा का काम अच्छा चल रहा है। नहरबंदी को लेकर भी काफ़ी बातें हुई। नहरबंदी में मुख्य रूप से हमने एक कंटिजेंसी प्लान जो बनाया है उसमें प्रत्येक ज़िले को 50 लाख रुपए की राशि जिला स्तर पर दी गई है, जिसमें एडिशनल चीफ इंजीनियर और जिला कलेक्टर इन दोनों के साथ मिलकर के कहाँ कहाँ हैंडपम्प की मरम्मत करनी है, कहाँ ट्यूबवेल खोदने हैं, कहाँ पाइप की मरम्मत करनी है, मेंटेनेंस का काम, और टेल एंड पे जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर ट्रक के माध्यम से अथवा ट्रैक्टर के माध्यम से पानी पहुँचाने का काम किया जाएगा। इसके लिए 50 लाख रुपये की राशि प्रत्येक ज़िले को दे दी है, हनुमानगढ़ को भी दे दी गई है। अभी आपने देखा होगा कि कोविड की एक नई लहर चल रही है, उसका सामना करने के लिए भी ज़िला पूरी तरीके से मुस्तैद है, सतर्क है, तैयार है। और आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा केसेस तो नहीं आए हैं, लेकिन कुछ केस अब रिपोर्ट में आने लगे हैं, तो इसके लिए भी टीकाकरण अभियान को तेज़ गति से चालू किया जाएगा। और 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, इस पर जोर दिया जाएगा कि मास्क प्राय हर लोग रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अभी भी कोविड की एडवाइजरी का पूरा पालन करना ज़रूरी है। आज मुख्यमंत्री जी की एक अपील है, उसको भी हमने आम जनता में बांटा और कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि कोविड भी यहाँ नियंत्रण की स्थिति में है। उसके बाद में DMFT की एक मीटिंग ली, उसमें ज़िले में जो जो काम जिला स्तर की कमेटी से ऊपर आए थे उन सब की स्वीकृति दे दी गई है। कुल मिलाकर के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थिति काफ़ी ठीक है। अभी हाल ही में जो बजट स्वीकृत हुआ उसमें हनुमानगढ़ को हमने 400 KV GSS की मांग पिछली मीटिंग में आया था तब हमसे की थी, हमने बजट में वो मंजूर कर दिया। इसमें करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 KV GSS का निर्माण हनुमानगढ़ में होगा। कल 132 KV GSS और 133 KV GSS, एक को तो शुरू किया और दूसरे का शिलान्यास किया जिसका आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। इसके अलावा आपको हनुमानगढ़ में मैं पिछली बार जब आया था तो ये कहा गया था यहाँ कृषि महाविद्यालय खोलना चाहिए, वो आपके खुल गया। मेडिकल कॉलेज आपके यहाँ मंजूर हो गया है, उसका भी हम शिलान्यास बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से कराने वाले हैं। मतलब जो बड़ी बड़ी मांगें थी वो करीब पूरी कर दी है। हनुमानगढ़ शहर के लिए लगभग 80 करोड़ रुपये की पेयजल योजना मंजूर हो गई है। गाँव के लिए भी नौर में अभी 150 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल योजनाएँ मंजूर की है। बजट में हर ब्लॉक को, हर विधानसभा क्षेत्र को कुछ न कुछ मिला है और हनुमानगढ़ जो है उसमें अग्रणी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप कोई प्रश्न पूछना चाहें। एक तो सर नहरबंदी इस बार क्या 30 दिन बिल्कुल उपलब्ध रहेगा, तो अपने ज़िले में 12 से 15 दिन स्टोरेज की क्षमता है, तो वो सप्लाई कैसे होगी पानी की? देखिए शुरू में जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें पानी भर लिया जाएगा और पानी भरने के बाद ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी अवेलेबल होगा, उससे फिर पानी भर के और 30 दिन का क्लोजर तो इस तरह से निकल जाएगा। और उसके बाद में भी
जो क्लोजर लेंगे उसमें नहर में ड्रिंकिंग वाटर का पानी उपलब्ध रहेगा। लास्ट के 15 दिनों में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो उसमें थोड़ा जनता को भी सहयोग करना चाहिए, हो सकता है अल्टरनेटिव सप्लाई करनी पड़े। तो उसमें आप जानते हैं कि राजस्थान फीडर को अपन ठीक नहीं कराएंगे तो आगे अपना काम कैसे चलेगा। ये प्रदेश के हित में है कि वो पानी की बचत करें। मैंने आज भी इंजीनियर्स को ये निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में जितने भी घर हैं उनमें बाथरूम में डबल बटन की टंकी आवश्यक रूप से लगाएं, इससे पानी की बचत हो जाएगी और आप जल संकट से मुक्त हो जाएंगे। एक घर में 150 से 200 लीटर पानी की बचत होगी। इसी प्रकार जहाँ ट्यूबवेल बना रहे हैं वहाँ जल संरक्षण का काम करना होगा, बरसात की एक एक बूंद को संरक्षित करके रखना होगा, तब जाकर के हम कल ही जल दिवस था। देखिए लोग समझते हैं कि हीरा जवाहरात पन्ना माणक मोती ये जो है ये हीरे हैं या ये रतन हैं, जबकि बुद्धिजीवी लोग ये कहते हैं कि ये पत्थर हैं, मूर्ख लोग इसको रतन कहते हैं। रतन तो है अन्न जल और सुभाषित वाक्य, असली रतन ये हैं। यदि कोई हीरा खा जाए तो मर जाएगा, कोई प्यासा आदमी उसको पानी मिल जाए तो वो जी जाएगा, तो इसलिए अमृत वो है, वो रतन वो है। और जल को बचाना जल को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। जल दिवस के अवसर पर कल हमने नए पोस्टर जारी किए थे, कुछ अपील जारी की हैं, हमने सभी जगह जल संरक्षण जल बचत की रैलियां निकाली हैं, शपथ भी ग्रहण करवाई है हमने। तो अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर चूँकि अपन एक दिन और आगे हो गए हैं तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि जल की बचत करें, जल का संरक्षण करें और पानी की एक एक बूंद का सांगोबांग सदुपयोग करें। एक सर, इस बार FCI ने क्या है टोकन व्यवस्था लागू कर दी है गेहूं खरीद में, पहली बार की है, तो किसान और व्यापारी दोनों ही विरोध करें। उनका कहना है कि मान लो कई बार उन्होंने आज फसल निकाल ली है वो डायरेक्ट खेत से मंडी में लेके आते हैं, लेकिन उसमें टोकन व्यवस्था में उनको 1 महीना 15 दिन या 10 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, तो भंडारण में दिक्कत आएगी। तो ये FCI ने पहली बार की है सर। आप जानते हैं FCI भारत सरकार की संस्था है, फिर भी मेरे सामने भी आया कि ये ऑनलाइन की जगह आप ऑनलाइन तो करो ही करो, ऑफलाइन भी शुरू कर दो। इसके बारे में मैं जाकर माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करूँगा और FCI से भी हम बात करेंगे कि वो इस संबंध में पहले की तरह ऑफलाइन भी अलाउ करें। सर कोरोना कमेटी में नॉर्मा आपके ध्यान में आया होगा, आज मैंने आपके बिना गए आप पता कर लेना, अधिकारियों की मीटिंग में निर्देश दे दिए हैं कि SDM लेवल की कमेटी हमारे यहाँ बनी हुई है, परफॉर्मा आया हुआ है। SDM को जिलाधीश महोदय ने निर्देश दे दिए हैं कि उस पनोरमा के बारे में मतलब मनरेगा के माध्यम से उसकी साफ सफाई करके और वहाँ दो गार्ड और एक टिकट बुकिंग वाला आदमी लगा के और उसकी पूरी व्यवस्था की जाए, उसके लिए 2 लाख रुपए में धरोहर प्राधिकरण के माध्यम से इनको भिजवा दूंगा। सर राजस्थान में जो है किसान सीमा पर बैठे हैं आंदोलन में और कोरोना भी आ गया, सरकार की तरफ से क्या उनकी सुविधा के लिए उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि आंदोलन तो चल रहा है किसानों का। हाँ हाँ, और राजस्थान की सीमा पर बैठे हैं दिल्ली के जाने की बजाय वो राजस्थान की सीमा के ऊपर कोरोना की जाँच के लिए टीकाकरण के लिए जो वो चाहेंगे हम सुविधा दे देंगे और उनका इलाज की भी पूरी हमारे यहाँ पूरे राजस्थान में जहाँ भी जाएँ मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था है। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में इतना बड़ा काम किया है कि जो हमारे BPL भाई हैं अथवा सीमांत कृषक हैं, लघु कृषक हैं और एक कैटेगरी और है ना संविदा कर्मी, इन सबको कोई मतलब ये समझिए कि कहीं बीमार हो जाएं तो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल में अथवा प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस करवा सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं वो 850 रुपये का सालाना बीमा करा देंगे तो वो भी कवर हो जाएंगे। तो 5 करोड़ लोगों को महात्मा गांधी आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से सबको कवर कर दिया है और मैं समझता हूँ कि इससे सारे के सारे लोग प्राय जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं उन सारे के सारे कवर हो जाएंगे। सर एक स्टेट के अंदर क्राइम जो रेट है वो काफ़ी बढ़ रही है। किसकी रेट? क्राइम रेट सर। हाँ, क्राइम पुलिस थानों में बलात्कार जैसे मामले आए हैं, जयपुर जो ACP ऑफिस था उसके अंदर जैसे बलात्कार का बहुचर्चित मामला है जो
तो इसके अंदर सर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, क्योंकि उसको मैं समझ गया। देखिए पहले तो अपराध होते थे उसकी FIR ही लॉज नहीं होती थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि यदि कोई थाना या कोई CI अपराध दर्ज नहीं करे तो SP ऑफिस में डायरेक्ट जा करके मुकदमा, ये पहली बार हुआ है राजस्थान में। और जिस जयपुर के केस का आप कर रहे हो, उस आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया है। देखिए अपराध तो कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन अपराध के बाद जो सरकार की मुस्तैदी है, प्रशासन की मुस्तैदी है, उसके ऊपर गौर करो कि अपराधों को आप देखिए महीने महीने दो दो महीने में तो लोगों को जेल की सजाएं हो गई है। लेकिन पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आप ये देखिए सरकार पूरी मुस्तैद है और प्रशासन हमारा चुस्त दुरुस्त है, किसी भी अपराधी को कोई बख्शेगा नहीं, ये मैं आपको गारंटी। लेकिन सर उसको बर्खास्त की कार्रवाई उसकी अंडर प्रोसेस है, लेकिन विधानसभा में अचानक उसकी घोषणा कर देते हैं, रिटायरमेंट की घोषणा कर दी जाती है उसको, रिटायरमेंट देने की। इसके देखो मेरी बात सुनो, इसमें क्या हुआ ये तो माननीय गृह मंत्री जी बता सकते हैं, लेकिन मैं ऑफ द रिकॉर्ड ये कह सकता हूँ अपराध उसने किया, उसके घर वालों ने तो नहीं किया, बच्चों ने तो नहीं किया। नौकरी से निकल गया, मेरी बात सुनो, और अभी तो उसको मुकदमा चलेगा, उसमें दंड भी मिलेगा, उसकी प्रक्रिया चल रही है, उसको दंड भी मिलेगा, आप क्यों चिंता करते हो, उसको दंड मिलेगा। सर सर हनुमानगढ़ के अंदर एक स्पिनिंग मिल बंद पड़ी है बहुत लंबे समय, BJP के टाइम बंद हुई थी, लेकिन उसको शुरू करने के लिए कोई कांग्रेस की तरफ से अभी बात सामने नहीं आई। कितने वर्षों से बंद है स्पिनिंग मिल BJP के टाइम, कांग्रेस सरकार कितने वर्ष हो गए बंद हुए हुए? 5-6 साल हो गए, लेकिन उसकी मेरा कहना यह है कि करोड़ों रुपए की मशीनरी है, अगर उसको नहीं चलाना तो एक तरफ उसका निर्णय तो कर लिया जाए ताकि वो मशीनरी कहीं और शिफ्ट हो सके। कोऑपरेटिव की थी, कोऑपरेटिव थी सर, कोऑपरेटिव। इसमें बात यह है कि ये गुलाब जो स्पिन फेड है, स्पिन फेड को अगर तोड़ा जाता है तो इस ये चल सकती है। स्पिन फेड के अंदर इसको अटैच होने के कारण कैसा था, इसका जो लाभांश था, इसका जो प्रॉफिट था, वो गुलाबपुरा को दिया गया था, जिस कारण गुलाबपुरा तो पहले ही फेल थी, वो इसने इसको और फेल कर दिया। दिखवाते हैं सहकारिता मंत्री से, ये स्पिन फेड टूटे ना सर, स्पिन फेड टूटेगी, इसको अलग से चलाया जाएगा, तो क्योंकि इसका जो धागा है। ये सुझाव आपके सहकारिता मंत्री को दे दूंगा। सर संविदा कर्मियों के मामले में कुछ हुआ क्या? यहाँ की हनुमानगढ़ की जो सहकारी स्पिनिंग मिल है ना, उसको स्पिन फेड से अलग करने के बारे में उदयलाल जी अंजना से बात भी करवाना, लिखित में चिट्ठी भी देना, इसको अलग शुरू करने से ये फायदे में आ जाएगी, इसको स्पिन फेड से अलग करने की मांग है। सर एक सुविधा कर्मियों को कैडर बनाने की बात सामने आई थी, जो काफ़ी लंबे समय से मांग भी कर रहे हैं, और दूसरा मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, उसके संबंध में कोई आगे बात बढ़ी सर? देखिए संविदा कर्मियों का कैडर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो निश्चित रूप से कार्मिक विभाग उसकी एक्सरसाइज कर रहा है। बाकी संविदा कर्मियों के बारे में मैं एक कमेटी का अध्यक्ष हूँ, हम क्या कर रहे हैं वो आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हमको सबसे पहले रिपोर्ट देनी पड़ेगी कैबिनेट को, कैबिनेट के बाद में ही वो सार्वजनिक हो सकती है, और वो बहुत जल्दी पॉजिटिव मानने क्या सर, ये मैंने बताया उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। सर सर एक आपके माध्यम से CM साहब को बधाई देते हैं, एक तो उन्होंने पत्रकारों की जो पेंशन है 15,000 करने की घोषणा की है, और दूसरा 50,00,000 रुपए का जो बीमा है वो आपको नहीं दे सकते, आपके मार्फत जरूर जरूर पहुंचाऊंगा। देखिए मुख्यमंत्री जी इस बजट में कैश लेस हाँ 98 से 2003 में थे, मैं था लोकल सेल गवर्नमेंट का मिनिस्टर, मुझे एक दिन बुलाया यार पत्रकार जो है इतनी मेहनत करते हैं उनके लिए क्या कर सकते हो, तो मैंने उनको एक महाराष्ट्र की कविता एक जुमला सुनाया, मैं कह रोटला मिलेगा ओटला नहीं मिलेगा, ये मुंबई में कहावत है कि मुंबई में कोई भी आदमी जाओ रोजगार मिल जाएगा पर मकान नहीं मिलेगा, तो मैं तुम क्या कहना चाहते हो, मैंने कहा ये उम्र भर मेहनत करते हैं इनका मकान नहीं बन सकता, तो तू कहना क्या चाहता है, तो मैंने कहा इनको प्लॉट अलॉट कर दो क्योंकि तेरे पास कलम है कर दे। पिछली बार कांग्रेस और सारे राजस्थान में एक्रेडिट जर्नलिस्ट को हमने प्लॉट दिए, और अब हम लोगों ने उनसे ये कहा कि कोविड में आप जानते हैं कोई गया नहीं गया, पत्रकार एकदम रिस्क लेकर के गया, तो ये मतलब कोरोना वॉरियर्स हैं, इनको भी आप कवर सर एक्रेडिटेड नहीं बिना एक्रेडिटेड को भी छूट दी गई थी, छूट दी थी साहब उनको भी दिया है
देना चाहिए। पिछली बार गहलोत साहब की सरकार भी दिया साहब इनको, सबको प्लॉट मिले, बैठे सबको मिले। इसलिए इसमें संशोधन की आपसे डिमांड है, इसमें 60 प्लस वाले को दे रहे हैं को। क्या था 4550 के बाद तो काम ही नहीं रहा था, सारा दिन आपको बीमा में भी कवर किया है मेरे ख्याल में। बीमा में तो कवर है साहब, भाई जो आपके इलाज विलाज का ये 5 लाख रुपए का कैशलेस में आपको कवर किया है। रिटायरमेंट वो कम कम होनी चाहिए, इसमें थोड़ा संशोधन कराओ सर, ये बहुत जरूरी है। तो मैं बात करके रिक्वेस्ट करूँ सर, जर्नलिस्टों के पास बाकी जो है ना, जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है, जो फ्रीलांसर है, उनके पास तो आएगा कोई स्रोत ही नहीं है। बात करिए, ये 60 से 55 रिटायरमेंट की उम्र कितनी, गवर्नमेंट सर्वेंट की 60 है, 50 साल की सम्मान निधि योजना है, किसी भी उम्र में दे सकते हैं।